तुला राशि वालों नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। ऐसी खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूँ, सुनकर नाचने लगोगे। जी हाँ तुला राशि वालों, आज शाम 4:36 बजे से आपकी जिंदगी में ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली है जो कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि तुला राशि वालों, आज आपके आंगन में एक नहीं पूरे 5 बड़ी खुशखबरी एक साथ दस्तक देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। जी हाँ तुला राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज शाम 4:36 बजे से ग्रहों की कुछ ऐसी शुभ स्थिति बनने जा रही है जो कि कई सारे बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आने वाली है। जी हाँ तुला राशि वालों, इसलिए तो हमने कहा है कि आज की वीडियो को जो नजरअंदाज करेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हाँ, वीडियो बहुत खास है और इसे आप सभी के ग्रह गोचर के आधार पर खास आपके फायदे के लिए बनाई गई है। हमारी आपसे अनुरोध है तुला राशि वालों, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आप वीडियो को स्किप या फिर आधा अधूरा देखकर ही छोड़ देते हैं, जिससे कि दोस्तों आप सभी जानकारियों को हासिल नहीं कर पाते हैं और इससे आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप इन सभी शुभ अवसरों का लाभ नहीं ले पाती हैं। इसलिए तुला राशि वालों, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक खास उपाय भी हम आप सभी को बताए हैं जो कि तुला राशि वालों आपको अपने जीवन में बहुत काम आएगा। ऐसे में तुला राशि वालों, आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने इन प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो आइए तुला राशि वालों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान से। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो पर क्या भगवान को देख पाओगे। अंधे ने मुस्कुराकर कहा कि क्या फर्क पड़ता है, भगवान को हम नहीं देख सकते परंतु भगवान मुझे देख लेगा। देखिए, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सही होना चाहिए। बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे। चलिए तुला राशि वालों, इसी के साथ जानते हैं आज शाम 4:36 बजे से कौन कौन से ऐतिहासिक बदलाव करने वाले हैं और क्या क्या खुशियां मिलने वाली है। तुला राशि वालों, आज आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली खुशखबरी यह है कि आपके प्रमोशन को लेकर। जी हाँ तुला राशि वालों, अगर आप लंबे समय से सोच रहे थे प्रमोशन के बारे में तो तुला राशि वालों, आज आपकी बात बन सकती है। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, आपकी वह प्रयास सफल होंगी। अगला जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है तुला राशि वालों, वो है आपके रोजी रोजगार को लेकर। जो जातक लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या से झेल रहे थे और वह सोच रहे थे एक अच्छे रोजगार के बारे में, तो आज उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर होगी और उनकी कोई एक रोजगार मिल सकता है, कोई कंपनी से बुलावा आ सकता है। आज के दिन आप अपने फोन कॉल को या ईमेल को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि तुला राशि वालों, आज आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकती है। जी हाँ तुला राशि वालों, आपके रुके हुए काम पुनः शुरुआत कर सकती हैं, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रही है, कार्य आपका सफल होगा। जी हाँ तुला राशि वालों, दोस्तों कई बार कुछ ऐसे काम हमारे हिसाब से नहीं होता है, हम सोचते हैं कुछ तो कुछ और हो जाता है, ऐसी समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने कामों को जिस हिसाब से करना चाहेंगे उस हिसाब से कर पाएंगे, मेहनत जारी रखनी होगी। आप अपने कैरियर को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा।
जी हाँ, वो अपने व्यापार में कुछ नए स्रोतों से लाभ कमा सकती हैं और प्रेम जीवन जी रहे लोग खुशहाल से आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको किसी तीसरे से जरा सावधान रहना होगा। अगर आप दोनों के बीच कोई तीसरा आदमी प्रवेश करता है, दखल अंदाजी करता है, तो आपकी खुशियां छीनने में और खुशियां भंग करने में जरा से भी वक्त नहीं लगाएंगे। तो ऐसे लोगों से, इंसान से जरा बचकर रहिएगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं, आज आप जिस भी काम को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे और कामों में आपको गारंटी के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन आपको दिलो जान से काम करना होगा। वहीं दोस्तों, ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति को आज धन उधार देने से जरा बचना होगा। व्यक्तिगत और असफलताओं को आज बढ़ावा मिलेगा। आपके कुछ प्रमुख कार्यों को गति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। आपका कोई प्रियजन आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आ सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि आपको काफी मानसिक सुकून देगा। देखिए दोस्तों, जीवन में कभी कभी ईश्वर भक्ति पूजा पाठ जरूर करें, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में किसी का जो है नेगेटिव नकारात्मक दोष प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी हाँ, विदेशों में व्यापार कर रहे लोग आज कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रही है। इसके उपरांत आज आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और पूरा परिवार खुशी के माहौल में गदगद रहेगा। व्यवसाय में मन मुताबिक लाभ मिलने से आपको अपने अंदर अहंकार और घमंड की भावनाओं को नहीं लाना है, नहीं तो लोग आपकी इस आदत के कारण आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, घमंड और अहंकार एक ऐसा चीज है जो कि इंसान को बर्बाद कर देता है, इसलिए आपको कभी भी घमंड नहीं करना है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। आपको राजनीतिक मामलों में कोई निर्णय अपने सीनियर से पूछकर ही लेना होगा, नहीं तो दिक्कत आपके लिए हो सकता है। अविवाहित जातकों के लिए समय उत्तम है, विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन आपकी कोई पुरानी गलती से आज आपको सबक लेना होगा। यदि आप बैंक, व्यक्तिगत संस्था से आदि से ऋण उधार लेना चाहते हैं, तो वह भी आज आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि भाग्य अभी आपके पक्ष में है, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे रही है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे आप काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस में यदि कुछ परियोजनाओं को शुरू करेंगे तो उसमें भी आप अच्छा खासा लाभ कमा पाएंगे, आसानी से आप उसमें बड़े लाभ कमा सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और परिवार में सदस्य भी आपकी इस बात से काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन आपको छोटी दूरी यात्रा जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगी। कामकाज ढूंढ रहे लोगों के लिए समय थोड़ा अभी और ज्यादा मेहनत और प्रयास करना होगा। अगर अपने कामों को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए समय बढ़िया है, लेकिन दोबारा सोच विचार जरूर कर लें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से जरा बचिएगा। दोस्तों, घर से जाते वक्त मीठा खाकर निकलें, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।